फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। उधमपुर के सलाथिया में बड़ा धमाका हुआ है। खबर बड़ी है, जानकारी आपको बड़ी दे रहे हैं। धमाके में एक व्यक्ति के घायल होने की खबर इस वक्त आ रही है। जानकारी आपको जम्मू कश्मीर से दे रहे हैं, जहां धमाके के बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंच गई है। घटना स्थल पर जांच में इस वक्त पुलिस की टीम लगी हुई है। और इस वक्त आपको बड़ी खबर, बड़ी जानकारी JK 24/7 न्यूज पहुंचा रहा है। जब जम्मू कश्मीर के उधमपुर के सलाथिया चौक पर बड़ा धमाका हुआ है। धमाके में एक व्यक्ति के घायल होने की खबर इस वक्त बताई जा रही है। और धमाके के बाद मौके पर इस वक्त पूरी पुलिस की टीम मौजूद है। घटना स्थल का मुआयना किया जा रहा है। जांच में इस वक्त जुटी हुई है पुलिस की टीम। और आपको इस वक्त की ताजा और बड़ी अपडेट दे रहे हैं, जहां पर उधमपुर के सलाथिया चौक पर बड़े धमाके की खबर है। और धमाके में एक व्यक्ति के घायल होने की खबर इस वक्त आ रही है, जो ताजे जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने आ गई हैं। जो तस्वीरें आपके सामने हैं, उसमें आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं। पूरा मुआयना इस वक्त पुलिस की टीम कर रही है। एक व्यक्ति के घायल होने की खबर आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ JK 24/7 न्यूज आपको दिखा रहा है कि धमाका हुआ है। और जानकारी इस वक्त की बड़ी आपको दे रहे हैं। फिलहाल यहां पर देखिएगा किस तरीके से लोगों का जमावड़ा है। फिलहाल पुलिस लोगों को दूर हटाने की कोशिश करते हुए और इस वक्त इलाके का मुआयना किया जा रहा है, क्योंकि बड़ा धमाका कहा जाता है, जो बड़ा धमाका उधमपुर के सलाथिया में हुआ है। और आपको ये खास तौर पर दिख रहा होगा कि सलाथिया चौक पर इस वक्त माहौल क्या है। जब हम चौक के अंदर देख रहे हैं कि किस तरीके से एक मार्केट नजर आ रही है, सब्जी मार्केट है, और वहीं पर यह बड़ा धमाका होता है। और तस्वीरों से साफ तौर पर अंदाजा लगा जा सकता है, जो सलाथिया चौक की ये तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आशीष दत्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता लाइव, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आशीष, क्या खबर है, क्योंकि बड़ा धमाका होता है और पुलिस इस वक्त इलाके का मुआयना कर रही है। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, जो जगह है वो सलाथिया चौक है। क्या पुलिस की तरफ से शुरुआती जानकारी दी जा रही है? देखिए हरीश, सबसे बड़ी खबर उधमपुर से आ रही है कि उधमपुर का सलाथिया चौक है, यहाँ पर संदिग्ध परिस्थितियों में ब्लास्ट होता है और यहाँ पर दो व्यक्ति उसके चपेट में आते हैं, जिस एक व्यक्ति की जो कंडीशन है वो काफी गंभीर बताई जा रही है। लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किन परिस्थितियों में ब्लास्ट हुआ है। लेकिन SSP का उधमपुर जो है डॉक्टर विनोद कुमार, उनका कहना है कि अभी जांच चल रही है, जांच एजेंसी यहां पर पहुंचेंगी। लेकिन अभी तक फिलहाल ये पता नहीं लग पाया है कि ये ब्लास्ट किन परिस्थितियों में हुआ। लेकिन आपको बता दें कि जिस जगह पर ये ब्लास्ट हुआ है उधमपुर का सबसे जो रेडियां लगती थी जी, कुछ तस्वीरें दिखाइए। ये देखिए, ये आपको हम स्पॉट की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। देखिए, ये वो सलाथिया चौक है उधमपुर का। काफी समय के बाद उधमपुर का जो शहर है ये पहला है, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये ब्लास्ट की परिस्थिति में हुआ है। लेकिन ब्लास्ट की दृष्टि इतनी ज्यादा थी कि 10 फीट ऊपर चल गया है, उसके बाद ये व्यक्ति जमीन पर गिरा है। और अभी तक 2 किलोमीटर तक जो ब्लास्ट की आवाज सुनी गई है, ये लाइव वीडियो आप जो देख रहे हैं, ये सलाथिया चौक का ये वही स्पॉट है जहाँ पर यह ब्लास्ट हुआ है। ये आप तस्वीरों में पूरा देख सकते हैं कि ये वो जगह है जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है। यहां पर काफी ज्यादा अफरा तफरी का माहौल बन गया है। यहां पर अब जो जांच एजेंसी है वो भी पहुंचने वाली है, लेकिन जो उधमपुर पुलिस यहां पर स्पॉट पर पहुंची, SSP उधमपुर यहां पर है और ये अब जांच की जा रही है कि ये ब्लास्ट किस तरह से हुआ। देखिए, यहां पर जो लोहे के एंगल, आयरन एंगल लगे हैं वो भी यहां पर टेढ़े हो चुके हैं, इतना बड़ा ये धमाका था। और ये लाइव विजुअल आप सलाथिया चौक से देख रहे हैं जी हरीश। इस समय यहाँ पर जो स्थिति है वो काफी ज्यादा यहाँ पर तनावपूर्ण है और लोगों में काफी ज्यादा यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। जी हरीश, ठीक है आशीष, आप तस्वीरें लगातार दिखाते रहिएगा, लेकिन उस घायल व्यक्ति के क्या हालात है, किस अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है, और ये क्या सब्जी की मार्केट है जो स्थिति हम देख रहे हैं, जो तस्वीरों से नजर आ रहा है? देखिए, उस व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तुरंत यहाँ पहुंचाया गया है और जो यहाँ पर पारदर्शित है, जो विटनेस है उनका ये कहना है कि ये जो व्यक्ति था इसकी कंडीशन काफी खराब है। उस व्यक्ति ने उसको उठाकर वहां पर पहुंचाया है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुंचाया है, लेकिन इस व्यक्ति की जो कंडीशन है वो काफी गंभीर बताई जा रही है। दो व्यक्ति इसकी चपेट में आए हैं, एक व्यक्ति थोड़ा स्टेबल बताया जा रहा है, लेकिन जो एक दूसरा व्यक्ति उसके सर में चोटें लगी हैं और शरीर पर चोटें लगी हैं। लेकिन अभी तक फिलहाल जो अगर बात की जाए तो अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उसका इलाज चल रहा है और फर्दर आप
चाहे क्योंकि कमांड हॉस्पिटल उधमपुर का यहाँ पड़ता है नॉर्थन कमांड का, तो अगर उसकी स्थिति ठीक नहीं रहती है तो उसे कमांड हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं सलाथिया चौक से देख रहे हैं, यहाँ पर काफी संख्या में लोग भी हैं। पुलिस लोगों से आग्रह कर रही है कि कृपा करके साइड पर हो जाएं, पुलिस को अपना कार्य करने दें। मैं दोबारा से आपको वो तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। देखिए ये वो तस्वीरें हैं, देखिए यहाँ से ये स्पॉट है, ये स्पॉट से आपको लाइव वीडियो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए वो एंगल है, वो लोहे का एंगल है, देखिए कितनी जोर से यहाँ घुमाता हुआ है कि ये लोहे का एंगल जो है वो भी टेढ़ा हो चुका है। और साथ में देखिए सब्जियां यहाँ पर रोजमर्रा की तरह जो लगती थी, हॉकर जो यहाँ पर लगाते थे, देखिए सब्जियां किस तरह से उछल कर अलग अलग यहाँ साइड पर हो गई हैं। लेकिन जो व्यक्ति है वो गंभीर रूप से घायल हुआ है, हालांकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है, लेकिन अभी तक ये मालूम नहीं हो पाया है कि किन परिस्थितियों में ये ब्लास्ट हुआ है। लेकिन काफी समय के बाद उधमपुर की अगर बात करें, गाँव इतना पावरफुल ब्लास्ट हुआ है कि इसकी आवाज 2 किलोमीटर तक सुनी गई है। और जो व्यक्ति इसकी चपेट में आया, इस ब्लास्ट की चपेट में आया है, लगभग 10 फीट के करीब ऊपर उछल कर गया है, उसके बाद जमीन पर गिरा है और उसकी स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। जी हरी बिल्कुल, आश्री से इलाका कैसा है, क्या भीड़ भाड़ वाला इलाका है? क्योंकि सलातिया चौक का हम जिक्र करते हैं तो लोगों का आना जाना काफी रहता है और मार्केट हम एक तरीके से देख रहे हैं, कैसा इलाका और इस वक्त की क्या स्थिति पुलिस बता रही है, अगर पुलिस की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन दी गई हो आशीष, तस्वीरें आप दिखाते रहेगा। काफी सेंसिटिव एरिया है, मैं आपको बता दूं यहाँ पर साथ में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स है और यहाँ पर जो डीएम का ऑफिस भी है और सबसे व्यस्त जो कि माना जाता है यहाँ पर, और काफी ज्यादा यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर हलचल रहती है और यहाँ से ही कई रूट्स की गाड़ियां भी चलती हैं। और जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ है वहां पर काफी ज्यादा लोग जो है उनकी आवाजाही दिन प्रतिदिन यहाँ पर रहती है, रोजमर्रा की तरह काफी ज्यादा आवाजाही रहती है। और अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखा जाए तो काफी ज्यादा यहाँ पे चौक की यहाँ पर वैल्यू है, क्योंकि डीसी ऑफिस यहाँ पर है और साथ में यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स भी है। और यही तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यही रास्ता पूरे शहर की तरफ जाता है, यही जो शहर को कनेक्ट करता है। लेकिन जो इस समय ये ब्लास्ट हुआ है अभी तक इसका पता नहीं लग पाया। देखिए मैं आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहूंगा इस चौक की, आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी संख्या में यहाँ पर लोग जो है वो रोजमर्रा यहाँ पर चलते हैं और कितना भारी रश आप यहाँ पर देख रहे हैं हरीश। ये मार्केट है उधमपुर की, यहीं से मार्केट शुरू होती है, इसे सलाथिया चौक उधमपुर का कहा जाता है। और आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि ठीक है आशीष, लेकिन अगर हम बात करें पुलिस की कितनी टीमें यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि भीड़भाड़ वाला इलाका है, यहाँ से लोगों को दूर करना होगा और हम देख रहे हैं कि लोगों की मौजूदगी यहाँ पर अभी भी है, कितनी टीमें पुलिस की वहां पर पहुंच चुकी हैं आशीष? देखिए यहाँ एसएसपी उधमपुर खुद मौके पर है, एडिशनल एसपी है, डीएसपी है और साथ में यहाँ सीआरपीएफ की टीम भी यहाँ पर पहुंची है। क्योंकि अगर यहाँ पर सिक्योरिटी की बात की जाए तो उधमपुर पुलिस के साथ यहाँ पर सीआरपीएफ भी सिक्योरिटी देखती है, सीआरपी के यहाँ पे भी अधिकारी पहुंचे हैं, वो भी अपनी तरह से यहाँ पर अब छानबीन कर रहे हैं कि ये ब्लास्ट किस तरह का है, क्योंकि सीआरपीएफ जो है वो भी इसको डील करती है। और साथ में अभी जो यहाँ पर फोरेंसिक की या जो टीम है उसे भी बुलाया गया है, अभी तहकीकात की जाएगी, ये जांच का विषय रहेगा कि ये ब्लास्ट किन परिस्थितियों में हुआ है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर एजेंसी पहुंचना शुरू हो गई है और यहाँ पर अब तहकीकात की जा रही है कि ये ब्लास्ट जो है किन परिस्थितियों में हुआ है, किस चीज का ब्लास्ट है ये, बिल्कुल आशीष, ये तस्वीरें आप लगातार दिखाते रहेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो ग्रिल लगी हुई है लोहे की, उसके साइड में भी एक रोड जा रही है, इस साइड भी रोड है और इलाका काफी भीड़ भाड़ वाला है, यहाँ पर काफी मशक्कत इस वक्त पुलिस को करनी पड़ेगी, जो टीमें यहाँ पर मौजूद है आशीष। बिल्कुल यहाँ पर लोगों को समझाया जा रहा है पुलिस, देखिए यहाँ पुलिस वाले देखिए यहाँ पर खुद लोगों को कह रहे थोड़ा साइड पे हो जाइए, देखिए यहाँ पुलिस की तरफ से बार बार लोगों से अपील की जा रही है, देखिए लोग फिर भी सुनने को तैयार नहीं है और लोग ये लोगों को कह रहे हैं कि थोड़ा साइड पे हो जाइए क्योंकि पुलिस को अपना कार्य करने दीजिए, जो एजेंसी है उन्हें कार्य करने दीजिए। लेकिन यहाँ पर लोगों का इतना ज्यादा हजूम है कि लोग यहाँ पर तमाशबीन भी बने हुए हैं, कुछ लोग यहाँ पर तमाशबीन है, लेकिन पुलिस की तरफ से बार बार ये आग्रह किया जा रहा है कि कृपा करके आप साइड पे हो जाइए और हमें कार्य करने दीजिए। आप लाइव वीडियो जो है सलाथिया चौक से देख पा रहे हैं हरीश। यहाँ पर एक चीज और बतानी जरूरी है, क्योंकि उधमपुर जो है काफी सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पर नॉर्थन कमांड जो है आर्मी तो यहाँ पर है,
सीआरपीएफ है और साथ में एयर फोर्स भी यहाँ पर लगती है और काफी ज्यादा यहाँ पर अगर उधमपुर की बात की जाए तो काफी सेंसिटिव एरिया है। लेकिन आज ये जो ब्लास्ट हुआ है फिलहाल अभी तक ये मालूम नहीं हो पाया है कि किन परिस्थितियों में ब्लास्ट हुआ है, किस चीज का ब्लास्ट है, अभी तक ये मालूम नहीं हो पाया है। लेकिन जो यहाँ पर आई विटनेस थे लोगों ने, जो दो व्यक्ति यहाँ पर घायल हुए थे उन्हें जो गाड़ी में बिठाया है, वो कह रहे थे कि इतना पावरफुल ये ब्लास्ट था। एक जो व्यक्ति था वो 10 फीट के करीब आसमान में उछल कर गया है, उसके बाद वो नीचे गिरा है। लेकिन उस व्यक्ति की जो कंडीशन है वो काफी क्रिटिकल बताई जा रही है। बिल्कुल आशीष, कितने कितने इलाके सलातिया चौक पर लगते हैं, आप ये तस्वीरें दिखाते रहिए, तस्वीरें दिखाते रहिए आशीष। देखिए ये लाइव जो है आप एसएसपी उधमपुर यहाँ पर मौजूद है, देखिए वो भी लगातार बातचीत कर रहे हैं, एजेंसी के साथ बातचीत कर रहे हैं क्योंकि काफी ज्यादा सेंसिटिव एरिया अगर उधमपुर की बात की जाए, जैसे पहले भी मैंने कहा कि उधमपुर नॉर्थन कमांड यहाँ पड़ती है, एयरफोर्स का स्टेशन यहाँ पर है और साथ में सीआरपीएफ बीएसएफ यहाँ पर बेस है और काफी ज्यादा यहाँ पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। लेकिन फिलहाल इस पर पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये ब्लास्ट किस चीज का था, अभी तक इस पर कोई भी पुष्टि नहीं हो पाई है। सीआरपीएफ यहाँ पहुंची है क्योंकि सीआरपीएफ भी काफी ज्यादा ब्लास्ट को लेकर मिलिटेंसी एरिया है वहाँ पर। देखिए यहाँ पर अधिकारी बार बार लोगों से ये आग्रह कर रहे हैं कि कृपा करके थोड़ा सही दीजिए, लोगों को जो एजेंसी है उन्हें कार्य। देखिए यहाँ बार बार पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है, देखिए बार बार मैं दोबारा से कहूंगा यहाँ पर क्योंकि एजेंसी को कार्य करने में परेशानी ना आए, बार बार यहाँ पर आग्रह किया जा रहा है लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। लोग यहाँ पर तमाशबीन बने हुए हैं और लोगों के लिए ये एक खेल की तरह है लेकिन किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप देख सकते हैं कि एक जो व्यक्ति था वो शायद घर से अपना कार्य करने के लिए निकला था लेकिन उसे मालूम नहीं था कि उसके साथ रास्ते में ऐसी घटना घट जाएगी। लेकिन जो लाइव विजुअल आप देख पा रहे हैं, सलातिया चौक उधमपुर का सबसे व्यस्त चौक है और यहाँ से देखिए ये सब्जी के, आप देखिए यहाँ पर जो रोजमर्रा की तरह यहाँ पर सब्जी लगाई जाती थी, देखिए क्या हाल है। देखिए एंगल दिखाना चाहेंगे, देखिए ये आयरन का एंगल है, इतना पावरफुल ब्लास्ट था कि ये जो एंगल है वो भी टेढ़ा हो गया है और जो विटनेस थे उनका भी यही कहना है कि जो व्यक्ति यहाँ पर था 10 फीट के करीब वो उछल कर जो है वो आसमान की तरफ गया, उसके बाद नीचे गिरा है और उसकी काफी क्रिटिकल कंडीशन है। देखिए आपको दिखाना चाहेंगे एसएसपी उधमपुर यहाँ पर एजेंसी जितनी भी है उनसे बात की जा रही है और ये अब देखिए ये जहाँ पर एसएसपी उधमपुर साथ में सीआरपीएफ के जो अधिकारी हैं उनके साथ बातचीत की जा रही है। अब ये इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि ये किस चीज का ब्लास्ट हो सकता है। देखिए सीआरपीएफ यहाँ पर पहुंची है और देखिए ये पूरा यहाँ पर जांच की जा रही है। देखिए ये आप देखिए यहाँ पर एसएसपी उधमपुर है, एडिशनल एसपी यहाँ पर है और देखिए सीआरपीएफ की पूरी यहाँ टीम पहुंची है जो यहाँ पर बॉम्ब स्कैड होती है, पूरी यहाँ पर तहकीकात की जा रही है। अभी यहाँ पर जितनी भी एजेंसी है एजेंसी के अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं और अब जांच की जाएगी कि ये जो ब्लास्ट हुआ है ये किन परिस्थितियों में हुआ है। आपको बता दें कि अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि ये ब्लास्ट किस चीज का है, अभी तक ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पाया है। एसएसपी उधमपुर ने खुद कहा है कि ये ब्लास्ट जो हुआ है अभी इसके बारे में तहकीकात की जाएगी और उसके बाद ही बताया जाएगा कि ये ब्लास्ट किन परिस्थितियों में हुआ। लेकिन लाइव विजुअल आप देख रहे हैं, ये उधमपुर का सबसे व्यस्त चौक सलातिया चौक माना जाता है, यहाँ से आप लाइव विजुअल देख रहे हैं। काफी समय के बाद उधमपुर में ब्लास्ट हुआ है। आपको फिर बता दें कि ये ब्लास्ट जो है इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, आधिकारिक पुष्टि नहीं। देखिए यहाँ पर दोबारा से पुलिस की तरफ से देखिए लोगों को ये कोर्ट कॉम्प्लेक्स का गेट है, देखिए यहाँ पर कितना रश है, देखिए ये कोर्ट कॉम्प्लेक्स है, देखिए इसका गेट है और देखिए लोग कितने ज्यादा ये बाहर तमाशबीन बने हुए हैं। देखिए यहाँ पर बार 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 आग्रह किया जा रहा है, सीआरपीएफ की तरफ से भी आग्रह किया जा रहा है। देखिए चौक जो है चौकों को बंद किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन जो स्टार्ट हो रही है। देखिए सीआरपीएफ की तरफ से देखिए लोगों को अब यहाँ चौक जी जी आशीष तस्वीरें आप दिखाते रहिएगा क्योंकि हम देखते हैं कभी भी ऐसा धमाका किया जाता है तो भीड़ भाड़ वाले इलाके को ही चुना जाता है। अभी फिलहाल कुछ देर में बयान भी ऑफिसर्स के सामने आ जाएंगे लेकिन काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है यही हम देख रहे हैं कि इसलिए इसे चुना गया जो तस्वीरों के माध्यम से हम देख पा रहे हैं। आशीष कहूंगा कि ये अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है कि धमाका किस वजह से हुआ है लेकिन अगर ये कोई अगर आतंकी घटना लगती है तो बहुत सोच समझ कर ये प्लान किया गया है के बाद यहाँ पे जगह को चुना गया है क्योंकि
यहाँ पर उनको मालूम है कि काफी ज्यादा यहाँ पर रश रहता है, काफी ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है और सेंसिटिव एरिया है क्योंकि कोर्ट कम्प्लेक्स यहाँ पर है, डीसी ऑफिस यहाँ पर है, लोगों की आवाजाही काफी ज्यादा रहती है। अगर आतंकी कोई घटना होती है, अगर आतंकी अंदर से देखा जाए तो फिर यह बहुत बड़ा सेंसिटिव एरिया है। ठीक है आशीष, आप ये लगातार तस्वीरें दिखाते रहेगा, हम आपके साथ लगातार बने रहेंगे क्योंकि ये तस्वीरें दिखाना बेहद जरूरी है। JK 24/7 न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें कहीं ना कहीं आप तक